एक ना बचपन में कार्टून आया करता था ऑसवल ऑसवल करके, तो पी के देखते हैं कैसा टेस्ट है के। जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी परसों तो खैर मैं सिर्फ 5-1 घंटे की नींद सोया, तो कल का मैं मान सकता हूँ कल पूरा दिन सुस्ती चढ़ी रहेगी। भाई साहब कल रात को तो मैं 8-9 मतलब 10 घंटे ही सो लिया होऊंगा, लेकिन तब भी क्यों आज इतनी सुस्ती चढ़ रही है। आई गेस वी कैन ब्लेम द वेदर चेंज, बट एनीवेज, सो हे गाइस, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, वेलकम है आपका एक बार फिर से मेरी दुनिया में। होप यू ऑल आर डूइंग कल से बहुत 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 ही ज्यादा बढ़िया। वैसे तो कल के ब्लॉग में मैंने विश कर दिया था, बट आज दोबारा से विशेष ले लो क्योंकि आज मेरे लिए महाशिवरात्रि है। सो हैप्पी महाशिवरात्रि टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, ऑल द लवली पीपल ऑफ इंटरनेट। चलो कोई ना, थोड़ी देर में पानी गर्म हो जाएगा फिर अपन नहाने धोने का भी काम निपटा लेते हैं। वैसे भी मेरे को लग रहा है आज ना थोड़ी देर में बारिश शुरू हो जाएगी, क्योंकि हल्के हल्के बहुत ही मध्यम मध्यम से काले बादल आ रहे हैं। बट चलो कोई ना, नहीं हो तो बढ़िया, क्योंकि धूप बड़ी मस्त निकल रखी है आज। देखो बादल ऐसे कि तब कहरा लग रहा है धूप में। चलो कोई ना, नहा धो के मिलते हैं तुम लोगों को। आज हमारे इस वाले स्पीकर का पूरा यूज हो रहा है, वहां पे डस्टिंग चल रही है और यहाँ पे भोले बाबा की भेंटे लगी हुई। चलो प्ले कर देते हैं दोबारा से, हमने पॉज कर दी थी ब्लॉग करने के लिए। ये जो ये वाले मशरूम के पकौड़े हैं ना जो तुम लोग अभी देख रहे हो, ये अपनी लाइफ में तीसरी बार ही फ्राई हो रहे हैं, थर्ड टाइम। और कुछ पकौड़े तो ऐसे हो गए कि इसमें से बेसन अलग हो गया और मशरूम अलग, लेकिन तब भी क्रिस्पीनेस चेक आउट करो। गर्म है, सारे मशरूम ने पानी छोड़ दिया और इतने ज्यादा च्यूई हो रखे हैं ना, इतने ज्यादा ऐसा लग रहा है मशरूम टिक्का खा रहा हूं। बट चलो अभी तो खैर ही हमारा प्री ब्रेकफास्ट है, इसके बाद पोस्ट ब्रेकफास्ट भी है, उसमें देखते हैं क्या मिलता है अपने का। मैं तो ये एंजॉय करता हूँ थोड़े बहुत पकौड़े, बाकी बाहर ही चलते हैं। वह अंडर बैठ कर बोर ही हो जाएंगे। यहाँ पे हमारा पोस्ट ब्रेकफास्ट भी आ चुका है, जिसमें कड़ी, लहसुन वाली चटनी और साथ में प्लेन पराठा। ठीक, ये कल की कड़ी है, फ्रेश नहीं बनी है। पोस्ट ब्रेकफास्ट ने पेट भर दिया जो मर्जी कहो। और अभी क्या हुआ, ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं आराम से नीचे चिल मार रहा था। नीचे मैं इतना ज़्यादा बोर हो गया, इतना ज़्यादा कहने की हड नहीं, मतलब फ़ोन चलाओ तब बोरियत, टीवी देखो तब बोरियत। तो मैंने सोचा चलो थोड़ी देर छत पे चलते हैं, और छत पे आके मैंने मौसम देखा। तुम लोग मानोगे नहीं, सेंटर में कुछ सन है और पूरे हर एक कॉर्नर में बादल हो रखे। तुम लोगों को अभी दिखाता हूँ, 2 मिनट रुक जाओ, मेरे को पहले छोटा वाला ट्रैपॉड सेट करने दो। देखो यहाँ पे सन है और पूरे ईच एंड एवरी कॉर्नर बादल हो रखे हैं। और अभी अप्पा कुछ नहीं कह सकते, क्या पता बारिश हो जाए क्या पता ना होए, आसार हालात देख के तो लगता है हो जाएगी, बाकी कुछ कह नहीं सकते। और अभी क्या हुआ, स्पेसिफिकली जो ये वाला टावर है, ये तुम लोग देख रहे हो, तुम्हारे लिए तो काफ़ी दूर है, मैं तो काफ़ी पास से देख पा रहा हूँ। इसके ऊपर ना जाली होती है, एक ना बचपन में कार्टून आया करता था ऑसवल ऑसवल करके, वो एक ऑक्टोपस सा होता था, जिस जिसको याद होगा उसको याद होगा, उसमें ना एक पॉपकॉर्न बनाने वाला एपिसोड था। भाई साहब मेरे को पता नहीं क्यों ये देख के ना बिल्कुल पॉपकॉर्न बनाने वाली मशीन की याद आई। अगर मेरे को कहीं पे फोटो मिलेगी तो मैं आसपास दिखा दूंगा, नहीं तो ये देख के तो ना पूरी उसकी याद आई मेरे को भी। हाँ यार ऐसा सही हुआ करता था, पता नहीं क्यों। और मेरे को उसको देखे हुए भी बहुत टाइम हो गया, मतलब जब से हमारे घर से केबल हटाया ना तब से मैंने नहीं देखा, 4 साल हो गए जब से स्मार्ट टीवी लिए, हाँ तब से नहीं देखा मैंने। और मेरे को पता नहीं क्यों अचानक से याद आ गया।
अगर फोटो मिलेगी तो कॉर्नर में दिखा दूंगा यार। लेकिन पता नहीं यार इमेजिनेशन कहाँ कहाँ को ले जाती है। बहुत सवाल याद आ गया और अब ना मेरे को देखने का मन कर रहा है कि यार उसमें था क्या कार्टून में, बस एक पॉपकॉर्न की मशीन और ये याद है कि यार ब्लू से कलर का वो होता था ऑक्टोपस वो। फट रही है मेरी थोड़ी थोड़ी, कृपया करके तुम लोग कुछ भी ऐसा सा ना करना मेरे इन्फ्लुएंस में आके। बकचोदी ऐसी बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता। और वैसे भी इस टाइम पे मेरा फेवरेट स्पॉट बन चुका है, मैं ग्रे लोअर डाल के आया था ताकि अगर गंदा भी हो जाए ना लोअर तो इतना फर्क ना पड़े। तो चलो अब नीचे ही चलते हैं, मेरे इस टाइम पे टांगे कांप रही है क्योंकि मैं लेजिट कॉर्नर से सिर्फ इतना सा दूर था, इतना, हाँ, एक फुट की दूरी पे था। कैमरे में इतना पता नहीं लग रहा होगा लेकिन रियल लाइफ में थोड़ी सी फट रही थी, थोड़ी क्या ज्यादा ही फट रही थी क्योंकि हाथ में फोन भी था। ऑलमोस्ट 2 PM, मतलब 2:15 बज चुके हैं और अभी यहाँ पे मम्मी और दीदी गोलगप्पे का पानी बनाने की तैयारी कर रहे हैं। मम्मी कह रहे हैं कि अलग अलग प्रकार की चटनियों को मिक्स करके, एक तो ये पड़ी है, मम्मी गोलगप्पे का पानी बनाएंगे। अब पता नहीं कैसा बनेगा कैसा नहीं, लेकिन तुम कुकिंग में इंडियन मॉम्स को चैलेंज नहीं कर सकते, हम तो बस हरी चटनियां ही निकाल सकते हैं। इतना तो हमारे घर की चटनियों में से पल्प निकला, बट चलो कोई ना, फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पे तैयार हो चुका है। अब इसको पी के देखते हैं कैसा टेस्ट है कैसा नहीं। भाई साहब एक ना गले में बड़ी गलत, बहुत ज्यादा गलत किक मिल रही है। सही बात बता रहा हूं, बाहर के गोलगप्पों का पानी फेल है। थोड़ा सा खट्टा ज्यादा बन गया, नहीं ठीक है, मतलब आलू वगैरह डाल के ना गोलगप्पे में न्यूट्रल सा हो जाएगा। लेकिन जो मर्जी कहो, यू कांट चैलेंज इंडियन मॉम्स इन कुकिंग। नहीं यार कुछ भी बना सकते हो खाने पीने के मामले में। ये तो अभी हमारे घर पे नॉनवेज नहीं बनता, जो नॉनवेज बनता होता मम्मी तो पता नहीं क्या क्या चीजें बना देते हैं। ऑलमोस्ट 3 PM और अभी मैं और दीदी थोड़ा बहुत काम निपटाने जा रहे हैं। एक तो हमने स्कूटर के टायर में हवा भरवा के आनी है इस वाले के 5G के, दूसरा गोलगप्पा का पानी तो तैयार हो गया लेकिन गोलगप्पे लेके आने हैं, और आज शाम में शायद से किसी का घर आने का बन रहा है तो उनके लिए सामान लेके आना है। तो चलो कोई ना, मैं सोचा मैं ही जाके काम निपटा आया तो मेरा व्लॉग बन जाएगा और साथ ही साथ काम भी हो जाएगा। पहले हेलमेट डाल लूँ फिर तुम लोगों को सीधा स्कूटर पे ही मिलता हूँ। तो यहाँ पे मस्त एकदम गोलगप्पे भी आ चुके हैं जो हम लेके आए हैं। यहाँ पे तेल गर्म हो रहा है और इस चरमची में गोलगप्पे भरे जाएंगे, देखते हैं कहाँ तक भरती है कहाँ तक नहीं। मेरे हिसाब से तो दोनों पैकेट यूज होंगे, टूटे हुए से गोलगप्पे दिए लौंडे ने। जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी ये कुछ गोलगप्पे हमने माइक्रोवेव में करे और एक गोलगप्पे तो नहीं लग रहे किसी एंगल से। खैर ये कुछ बड़े परफेक्ट है लेकिन वो तो फूले ही नहीं, बताओ छोटे छोटे से रह गए। चलो कोई ना, हाँ 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 तुमने देख ही लिया होगा कितनी ज्यादा क्वांटिटी में गोलगप्पे बने हैं और कुछ ऐसी सी पापड़ियां भी निकली हैं जिनको मैं अभी खा रहा हूं। एंड आई गेस वी शुड एंड द व्लॉग हेयर ओनली बिकॉज नाउ दिस इवनिंग इज गोना बी फैमिली टाइम नॉट व्लॉग टाइम,
और मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी फैमिली वालों के चेहरे के सामने भी हाँ हम ये करने का, वो थोड़ा ना मेरे को वियर्ड लगता है, बट चलो कोई ना। तो अब ऑलमोस्ट शाम के 4 बज चुके हैं, हमारे पास दिखाने को कुछ नहीं बचा, आप लोगों के पास देखने को कुछ नहीं बचा। इसी नोट पर करते हैं आज की वीडियो को एंड। होप करता हूं तुमको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कल फिर मिलेंगे एक नवी जर्नी, एक नवी एडवेंचर, एक नवी एक्सपीरियंस के साथ। लन बाबा, पीस आउट, लव यू। ओ तेरी मेरी उंगली इसमें चली गई थी अभी। लव यू ऑल।